Hello everyone and welcome back. So this is the chapter air, and in this chapter we have discussed earlier that the different layer of the atmosphere sabse pehle troposphere hai, fir stratosphere hai, fir mesosphere hai, fir exosphere hai. We have discussed about that. Now what we are going to discuss today is weather and climate. Weather kya hota hai, climate kya hota hai. सो बेसिकली जब मैं आपसे पूछती हूँ कि आज का मौसम कैसा है, आज क्या चल रहा है, आज कैसा मौसम हो रहा है, तो आज जो हो रहा है आज वो वेदर कहलाता है. क्या बारिश हो रही है, क्या धूप निकली हुई है, क्या मतलब हवाएं चल रही है, क्या हो रहा है, वो वेदर कहलाता है. वो आज की बात है, वो वेदर कहलाती है, राइट. अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जगह का टेम्परेचर मतलब कैसा रहता है, इस जगह का एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, यहाँ इस जगह पे क्या हर साल साल में पूरा टाइम बारिश होती रहती है, या साल में मतलब यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, गर्मी रहती है, सर्दी रहती है, या गर्मी में गर्मी हो जाती है, सर्दी में सर्दी हो जाती है, कैसा रहता है, ये चीज़ें मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ठीक है. तो अगर किसी जगह के टेम्परेचर को हम बहुत लंबे सालों के टाइम के लिए माने, मान लो बहुत लंबे साल के टाइम के लिए हम माने, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा वहाँ का क्लाइमेट कहलाएगा. क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है. वेदर जो होता है, वेदर एक दिन की सिचुएशन होती है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हो रहा होता है वो होता है वेदर. कि अभी क्या हो रहा है, अभी बारिश हो रही है, अभी धूप खिली हुई है, अभी ये वेदर है, अभी सनी वेदर है, अभी रेनी वेदर है, ठीक है. तो वेदर ये होता है. क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट होता है जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब जैसे बहुत ज़्यादा टाइम से एक जगह पे, मान लो किसी जगह पे आपने देखा इतने सालों से कि जून के महीने में वहाँ पे बारिश आती ही आती है, तो हम बोलते हैं कि वहाँ जून के महीने छोड़ो, वहाँ पे 4-5 महीने बारिश आती रहती आती रहती है. हम बोलते हैं कि वहाँ पे तो इन महीनों में हमेशा बारिश आई रहती है. इसका मतलब ये नहीं कि इस टाइम भी वहाँ पे बारिश आ रही होगी, इसका मतलब ये है कि जनरली वहाँ पे 4-5 महीनों में बारिश आती रहती है. अगर मान लो कोई जगह है जहाँ पे जो डेजर्ट रीजन है, ठीक है, तो हम बोलेंगे वहाँ का क्लाइमेट डेजर्ट क्लाइमेट है, वहाँ पे कोई बारिश नहीं आती, धूप खिली रहती है 24 घंटे, हर चीज़ साफ रहती है. तो वो ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम पर भी धूप खिली हो सकता है इस टाइम पर वहाँ पर क्लाउड हो सकता है ना, वहाँ पर इस टाइम क्लाउड हो. तो इस टाइम का वेदर कुछ और होता है, क्लाइमेट उस लंबी सिचुएशन का टाइम होता है कि लंबे टाइम से वहाँ पे क्या हो रहा था, लंबे टाइम से वहाँ पे क्या हो रहा था, वो वहाँ का क्लाइमेट कहलाता है. कि एक लंबे टाइम से, कितना लंबा टाइम, इंडिया में उसको 30 ईयर, मतलब 30 ईयर्स तक जो उसका पैटर्न रहेगा. मान लो दिल्ली में हमने इतने सालों से देख रहे हैं कि जून में गर्मी ही होती है, 30 साल हो गए हमने देख लिया कि जून में गर्मी ही होती है, तो इसका मतलब जून का एटमॉस्फेयर, जून का क्लाइमेट जो है दिल्ली में वो गर्म ही होता है. जून का क्लाइमेट दिल्ली में गर्म ही होता है, ठीक है. तो हम इसको लाइन बाय लाइन एक बार देख लेते हैं. इज इट गोइंग टू रेन टूडे, विल इट बी ब्राइट एंड सनी टूडे, हाउ मेनी टाइम्स वी हर्ड दिस फ्रॉम एंक्शियस क्रिकेट फैंस स्पेक्यूलेटिंग द फेट ऑफ वन डे मैच. इफ वी इमेजिन आवर बॉडी to be a radio and mind its speaker, weather is something that fiddles out its control knobs. Weather is about hour to hour, day to day condition of atmosphere. ये line आप underline कीजिएगा कि weather क्या होता है. Weather is about hour to hour and day to day condition of atmosphere. Weather is about hour to hour and day to day condition of atmosphere. घंटे के प्रति घंटे, मतलब अभी क्या सिचुएशन है, इस टाइम पे क्या सिचुएशन है, ये वेदर वो होता है, ठीक है. क्या अभी प्लीजेंट ब्रीजी वेदर है, मेक एन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग. वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे. हाउएवर एक एवरेज वेदर कंडीशन, अगर एक एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, एक वेदर कंडीशन जो लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, कि जून में जुलाई में यहाँ पे बारिश आती है, आती ही है, एवरेज है कि जून में यहाँ पे जुलाई में यहाँ पे बारिश आती ही आती है, तो हम बोलेंगे जुलाई का जो क्लाइमेट है वो रेनी क्लाइमेट है, वहाँ पे रेन होती रहती है. तो क्लाइमेट क्या होता है, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कीजिए, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. एक एवरेज कंडीशन जो होती है उसको हम क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस बोलते हैं, इस जगह का क्लाइमेट बोलते हैं, राइट. तो ये दो चीज़ें हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हैं, वेदर और क्लाइमेट. वेदर होता है जो उस मूवमेंट पे हो रहा है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है. क्लाइमेट होता है जो लंबे पीरियड, एवरेज कंडीशन, कि वहाँ पे जून जुलाई अगस्त में एवरेज में क्या होता है, एवरेज में क्या होता है, इस टाइम हो रहा है नहीं हो रहा है डजंट मैटर,
बट ऑन एन एवरेज वहाँ पे यही होता है, ऑन एन एवरेज वहाँ पे गर्मी रहती है, ऑन एन एवरेज वहाँ पे सर्दी रहती है। तो ये इस तरीके से एवरेज चीज को हम बोलते हैं। टेम्परेचर नाउ, ओके, जो वेदर होता है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। वेदर जो होता है किसी चीज़ की वजह से होता है, किन्हीं चीज़ों की वजह से होता है। अब वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें हैं टेम्परेचर, वो चीज़ें हैं प्रेशर। टेम्परेचर हो गई, प्रेशर हो गई। प्रेशर की वजह से क्या होती है? विंड्स बनती हैं, ठीक है। विंड्स, मॉइस्चर, हवा में कितना मॉइस्चर है, ये सारी चीज़ें जो होती है हमारे वेदर को डिफाइन करती है। अब हम एक एक करके इन सब चीज़ों को समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? हॉटनेस और कोल्डनेस दैट यू फील, जो हॉटनेस या कूलनेस आपको फील हो रही है, जो हॉटनेस या कूलनेस आपको फील हो रही है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। तो सिंपली डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। जो एयर की हॉटनेस और कोल्डनेस है, जो हॉटनेस और कोल्डनेस होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम ये रहा, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर, उसको हम उसका टेम्परेचर बोलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन द डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। जो टेम्परेचर है वो सीजन टू सीजन चेंज होता है। जो समर होती है दे आर हॉटर एंड विंटर जो होती है वो हमारी कोल्ड होती है, विंटर हमारी कोल्ड होती है। एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर, अच्छा अब एक नया चीज सीखने को मिलेगा, एक नया टर्म है जिसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। जो ये हॉटनेस और कोल्डनेस है वो इंसोलेशन पे डिपेंड करती है। इंसोलेशन का क्या मतलब है? इंसोलेशन का मतलब होता है कि कितनी समर की रेज हम तक आ रही हैं। अगर सन की रेज हम तक ज्यादा आ रही हैं तो हम उस ज्यादा तब ज्यादा इंसोलेशन है। इनकमिंग इंसोलेशन एक्चुअली हम क्या बोलेंगे? इनकमिंग सोलार रेडिएशन। इनकमिंग सोलार रेडिएशन मतलब सन की जो रेडिएशन आ रही है दैट इज नोन एज इंसोलेशन। अगर सन की रेडिएशन ज्यादा आ रही है तो हीट ज्यादा हो जाएगी, अगर सन की रेडिएशन कम आ रही है तो हीट कम आएगी, राइट। तो इंसोलेशन क्या होता है? इनकमिंग सोलार रेडिएशन, इनकमिंग सोलार रेडिएशन, इंसोलेंस, ठीक है। इंसोलेशन, इंसोलेशन इज इनकमिंग सोलार एनर्जी जो अर्थ ले लेती है, दैट इज इनकमिंग सोलार एनर्जी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, जो इंसोलेशन का अमाउंट है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा इंसोलेशन होता है और पोल्स पर सबसे कम इंसोलेशन होता है, ठीक है। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा इंसोलेशन होता है और पोल्स पे सबसे कम इंसोलेशन होता है। क्यों? क्योंकि पोल्स सबसे एंड में लाई करते हैं तो सूरज की किरणें उस पर डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं, सूरज की उस पर डायरेक्टली नहीं पड़ती, इसलिए पोल्स पे सबसे कम इंसोलेशन होता है। वैसे सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? ज्यादा होता है हमारा इक्वेटर पे, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि पोल्स के ऊपर इंसोलेशन कम होती है, इसीलिए देखो व्हाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो, क्योंकि पोल्स पे इंसोलेशन कम होती है। जो सोलार रेडिएशन है वो पोल्स पे कम आ रही है, पोल्स पे इंसोलेशन कम होती है, दैट इज व्हाई पोल्स आर कवर्ड विद द स्नो, इसीलिए पोल्स स्नो से कवर्ड होते हैं। इक्वेटर हॉट क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे इंसोलेशन बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो इंसोलेशन है सन की जो रेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हीटेड अप होता है। इक्वेटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हीटेड अप होता है। इट वुड बिकम टू वार्म फॉर द सम क्रॉप्स टू ग्रो। टेम्परेचर इन सिटीज मच हायर देन द विलेज। द कॉन्क्रीट एंड मेटल इन द बिल्डिंग एंड द एसफेल्ट ऑफ द रोड गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे, द हीट इज रिलीज ड्यूरिंग एट नाइट। देखो क्या होता है कि जो जो कई जगहें होती हैं जिनका कई चीज़ें होती हैं जिनकी कैपेसिटी होती है टेम्परेचर को ट्रैप करने की, जिनकी कैपेसिटी होती है टेम्परेचर को वो ट्रैप कर लेती हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स होती है, सीमेंट होता है, इसकी क्या कैपेसिटी होती है? इसका ये होता है कि ये हीट को ट्रैप कर लेते हैं, ये चीजें हीट को ट्रैप कर लेते हैं, और अगर ये हीट को ट्रैप कर लेंगे तो वो चीज गर्म हो जाएगी। इसीलिए अर्बन एरिया जो होते हैं वो गर्म होते हैं एज कंपेयर टू विलेज एरिया, जो विलेज एरिया है उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही गर्म होते हैं, ठीक है। अब हम बातें करें अगर एयर प्रेशर की, तो एयर प्रेशर क्या होता है? देखो
जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, जहाँ पे बहुत हीट होती है ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर दैट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होगी प्रेशर वहाँ पे बहुत कम होगा, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा हीट होगी वहाँ पे प्रेशर बहुत कम होगा, और जहाँ पे कम प्रेशर होगा, जहाँ पे कम हीट होगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही प्रेशर होगा। इस तरीके से प्रेशर और जो हीट है उसका आपस में उल्टा रिश्ता है, इनवर्स रिलेशन, जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है, टेम्परेचर और जो प्रेशर है उसका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे हीट, वहाँ पे प्रेशर कम है, जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। इस तरीके से प्रेशर और टेम्परेचर का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो जानने लायक है वो ये है कि जो विंड्स होती है, जो हवाएं होती हैं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। जो हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, ठीक है। तो जो भी हवाएं होंगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, और ये पूरी दुनिया में हमें देखने को मिलता है, ये हमें पूरी दुनिया में देखने को मिलता है कि हवाएं जो होंगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही मूव करेंगी। तो अब लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आर बॉडी, हाउ एवर वी डू नॉट फील इट। जो एयर होती है वो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर डालती है, जो एयर है ना हमारे ऊपर बहुत प्रेशर डाल रही होती है, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी एयर होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो एयर होती है वो भी प्रेशर डालती है और बाहर से भी प्रेशर डालता है, तो दोनों प्रेशर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, दोनों प्रेशर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हाउएवर हम इसको फील नहीं कर पाते, ठीक है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेट ऑफ एन एयर ऑन द अर्थ सर्फेस। जो एयर प्रेशर होता है वो क्या होता है, एयर प्रेशर एक्चुअली क्या होता है, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सर्फेस। जो वेट है एयर का, अर्थ के सर्फेस पे जितना बोझ डाल रही है वो, जो एयर अपना बोझ अर्थ के ऊपर डाल रही है उसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं, उसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं। जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं प्रेशर डिक्रीज होता जाता है, उतना प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। आप खुद ही सोचिए ग्रेविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, जो सरफेस के क्लोज होगा, तो इसलिए सरफेस के क्लोज एरिया पे बहुत ज़्यादा वो पड़ती है, खींचाव पड़ता है, ग्रेविटी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है और बोझ भी सबसे ज़्यादा वहाँ होता है, प्रेशर भी सबसे ज़्यादा वहाँ पहुँचता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीज विद द हाइट। इसलिए जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो पहाड़ों में जाके हमें प्रेशर की कमी फील होती है, वहाँ पे कम प्रेशर होता है, हमारी सांसें फूलने लगती हैं क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेशर का हमने देख लिया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इन द एरिया वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइसेस। अब मैंने आपको बताया कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है वहाँ पे प्रेशर लो होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे जो हवाएं हैं वो उड़ के ऊपर की तरफ जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, गर्म होके वो फैल जाएंगी, गर्म होके जब वो फैल जाएंगी तो वो ऊपर की तरफ उठेंगी, जब वो ऊपर की तरफ लाइट होके उठेंगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ राइज करती रहेगी, इसलिए लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो लो प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। और अगर हवा ऊपर उठेगी तो हवा तो ऊपर जाके बादल बनाएगी, ठीक है, वो बादल बनाएगी, अगर वो ऊपर उठेगी तो वो बादल बनाएगी। इसीलिए जब ऊपर जाएगी हवा, ऊपर जाती रहेगी तो लाइट हवा होगी तो वो बादल क्रिएट करेगी, बादल क्रिएट करेगी तो वहाँ पे वेट एटमॉस्फेयर होगा, इसलिए वहाँ पे वेट वेदर होता है, ठीक है। इन एरिया हैविंग लो टेम्परेचर एयर इज कोल्ड। जहाँ पे ठंडी होती है वहाँ पे, मैंने आपको बताया जहाँ पे ठंडी होती है वहाँ पे एयर घनी होती है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, वहाँ पे एयर घनी होती है, एयर जो है वो कोल्ड होगी, कोल्ड होगी तो उसके पार्टिकल क्लोज क्लोज हो गए, इसलिए वो घनी होगी और वो हैवी होगी। एंड हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया। जो हैवी एयर होती है वो सिंक हो जाती है और हाई प्रेशर, ऐसे क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे भारी बन जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होके भारी बन के वो हैवीनेस क्रिएट कर देते हैं एयर के अंदर, तो हैवीनेस क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी जो जगहें होती है वहाँ पे बादल नहीं बन पाते हैं क्योंकि
हैवीनेस है तो नीचे ही इकट्ठा हो गया सब कुछ, ऊपर जाना है, ऊपर गया ही नहीं, अगर ऊपर गया ही नहीं तो क्लाउड बनेंगे ही नहीं। तो इसलिए इन जगहों पे जो मतलब ये जगहें, इनमें क्लाउड नहीं होती है, क्लाउडलेस जगहें होती हैं, ठीक है। और पूरा टाइम सन निकला रहता है, बड़ा अच्छा सा वेदर रहता है, ठीक है। विंड्स के बारे में, विंड्स जो हैं, विंड्स एक बड़ा अपने आप में ही सेपरेट चैप्टर है, बिल्कुल एक सेपरेट फिनोमेना है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो, एंड थैंक यू वेरी मच।